साथियों, मेघालय सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हमने पुरानी सोच और पुरानी अप्रोच को बदल दिया है। कांग्रेस की सरकारों ने तो इस क्षेत्र को देश का आखिरी हिस्सा मान लिया था, जबकि बीजेपी नॉर्थ ईस्ट को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानती है। कांग्रेस के लोगों को तो मेघालय की याद सिर्फ चुनाव के दौरान ही आती थी। कांग्रेस और उसके जैसे दलों के लिए नॉर्थ ईस्ट सिर्फ और सिर्फ एटीएम रहा है। जैसे एटीएम से जाकर के पैसे निकालते हैं ना, ये दिल्ली में ऐसे लोग बैठे थे कि नॉर्थ ईस्ट से पैसे ही निकालते थे, वो उनके लिए एटीएम था। आपके हक का पैसा ये लूट लेते थे, जबकि बीजेपी नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए ईमानदारी से पाई पाई के इस्तेमाल पर विश्वास करती है। आज केंद्र की बीजेपी सरकार गरीब के लिए, किसान के लिए, बहनों के लिए जो भी पैसा भेजती है सीधे बैंक अकाउंट में भेजती है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई एटीएम नहीं, कोई लूट नहीं। लेकिन साथियों, आपको एक और बात समझनी चाहिए। अनेक तरह के विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार के साथ काम करना पड़ता है। पड़ोस में आसाम हो, अरुणाचल हो, त्रिपुरा हो, जहां भी बीजेपी की सरकारें हैं वहां इंफ्रास्ट्रक्चर भी कितना बेहतरीन काम शुरू हो गया है। बीते 9 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट के लिए बजट में कई गुना बढ़ोतरी केंद्र सरकार ने की है। मेघालय को भी बहुत अधिक बजट मिला है। लेकिन आज जब यहां लोगों की बातें सुनता हूं तो बहुत दुख होता है। लोग कहते हैं कि पैसा लगा ही नहीं, ना सड़कें बनी, ना स्कूल कॉलेज, ना अस्पताल बने, फिर वो पैसा गया कहां? यहां का यूथ कह रहा है कि यहां रोजगार के अवसर इन्होंने खत्म कर दिए हैं। जो भर्तियां होती हैं उनमें करप्शन है, भाई भतीजावाद है। भाइयों और बहनों, इन्हीं सब बातों को देखते हुए ही मेघालय ने तय किया है कि दिल्ली और शिलांग दोनों जगह बीजेपी सरकार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मेघालय के हक का पैसा मेघालय के विकास में लगे, इसके लिए डबल इंजन सरकार जरूरी है। यहां बीजेपी सरकार जरूरी है। मेघालय को आगे कैसे बढ़ाना है, ये विजन और विश्वास बीजेपी के पास है। हर अड़चन के बावजूद बीते 9 वर्षों में अनेकों आदिवासी गांवों तक पहली बार बिजली पहुंची। गांव की सड़कें हो, हाईवे हो, एयरपोर्ट हो, रेल लाइन हो, पानी हो, हर काम के लिए पहले से कहीं अधिक पैसा दिल्ली से भेजा जा रहा है। गांव की सड़कों के लिए
पैसे की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार ने इसके लिए रिकॉर्ड बजट रखा है। पिछले 9 वर्षों में मेघालय में नेशनल हाईवे के निर्माण पर 5000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 5000 करोड़। मेघालय के 11 जिले आज नेशनल हाईवे से जुड़ चुके हैं। केंद्र सरकार मेघालय को आसपास के देशों से भी जोड़ना चाहती है। कोशिश यही है कि यहां के किसानों, फल सब्जी उगाने वालों को बड़े बाजार मिले, ज्यादा इनकम हो। तुरा दालू नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। इससे गारो हिल्स की असम और बांग्लादेश के ट्रेडिंग सेंटर से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। मेघालय और म्यांमार के बीच की कनेक्टिविटी पर भी तेजी से काम चल रहा है। इन वर्षों में मेघालय की हवाई कनेक्टिविटी भी मजबूत हुई है। आज मेघालय के ट्राइबल गांवों तक 4G इंटरनेट पहुंचाने के लिए भी सैकड़ों टावर लगाए जा रहे हैं।